बहुत मुश्किल फिल्म है, आसान फिल्म तो थी नहीं बनाना ऐसी. आई थिंक जो थ्रिलर एक्शन फिल्म है वो आज तक किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं की, और इस तरीके से करना, इस तरीके से इतनी खूबसूरती से दिखाना, इतने सारे इमोशंस लाना उसके अंदर, बहुत बहुत ही कमाल का काम किया निखिल ने, और वही हीरो है इस फिल्म के. 19 जुलाई को फिल्म रिलीज है और अभी स्क्रीनिंग आई है. आप देख रहे हैं कि सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. इट्स लुकिंग रियली नाइस, फिंगर्स क्रॉस, इंशाल्लाह फिल्म बहुत अच्छा करेगी. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म. आई होप द ऑडियंस विल आल्सो फील द सेम. मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, और सब ने बहुत मेहनत किया, एंड इट्स रियली शोइंग. एंड कांग्रेचुलेशंस टू निखिल फॉर मेकिंग सच अ पावरफुल फिल्म. मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फिल्म ऐसा धमाका करेगी. ये फिल्म रगले दीजिए आप, लोग पागल हो जाए. ऋषि कपूर साहब ने जो काम किया है, मतलब हिल गया मैं देख के. एक सही थ्रिलर फिल्म है और ऐसे होना चाहिए. बहुत अच्छी फिल्म है, एंड मैं ऐसा कभी फिल्म देखा नहीं हूँ बॉलीवुड में. एंड आई थिंक इट्स गोना डू वेरी वेल. इट्स गोना बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर पीपल.